हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट दैट इज सेमीकंडक्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे कि हमें पता है, दीज आर द 14 ग्रुप एलिमेंट्स विच कैरी 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए, जैसे कि आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दिया है हमें अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन एज सच इट इज़ अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, दीज आर द 14 ग्रुप एलिमेंट। और इस सेमीकंडक्टर के अंदर आपको कहाँ पे भी फॉरेन एलिमेंट नहीं दिखता, दूसरा कोई और एलिमेंट नहीं दिखता, इसलिए अनडोप्ड सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के दो टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यहाँ पे इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन कैसे होते दिया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब अनडोप कंडक्टर, उसके अंदर क्या है, कुछ फॉरेन इम्प्योरिटी, अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी यहाँ पे दिया है, तो भी इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, डोप सेमीकंडक्टर, हमें यहाँ से समझना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कहते हैं डोप, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरेन इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है, इतना हमें समझना है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोप सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर हम देख पाते हैं इस सिलिकॉन का एंटायर स्ट्रक्चर है। दिस इज द सेमीकंडक्टर इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन, हम यहाँ पे देख पाते हैं। दिस इज द बोरॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन, दैट इज द 5, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 3, 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोरॉन। सो बोरॉन विल फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स, ये तो स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन बोरॉन 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरॉन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस का, आप यहाँ देख पाते हो, हमें पता है फास्फोरस का नंबर है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2, 8, 5, मतलब फास्फोरस हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो फास्फोरस तो सिलिकॉन के साथ 4 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस है। सो दिस एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेक सेमीकंडक्टर अ गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर की यहाँ पे रेंज दी है 10^-6 टू 10^-6 टू 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस सिलिकॉन के अंदर हम देख पाते हैं यहाँ पे बोरॉन ऐड किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और यहाँ पे फास्फोरस ऐड किया है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एक्चुअली इस फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव हुआ है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे इस टाइप के क्रिस्टल में, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो हमें पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर हमने डोप किया, एक सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन का, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ऐड की लाइक बोरॉन, तो भी कंडक्टिविटी ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी इंक्रीज। और यहाँ पे हम देख पाते हैं फास्फोरस जैसा भी हमने एटम अगर डोप कर दिया सेमीकंडक्टर के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हमें टाइप देखने हैं, इंट्रिंसिक तो पता है हमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फॉरेन पार्टिकल और इम्प्योरिटी ऐड होती है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप की है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो हमें देखना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर
एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें यहाँ पे समझना है इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग है सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में 15 ग्रुप एलिमेंट को ऐड करेंगे, फॉस्फरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, जो 15 ग्रुप एलिमेंट है उनको ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, तो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्रूव होता है। एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच बिलोंग टू द 14th ग्रुप। यहाँ पे हमें समझना है 14th ग्रुप के एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट को हम ऐड करते तब जाके हमें जो कंडक्टर मिलेगा वो रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंसीडर फॉर एग्जांपल डोपिंग ऑफ SI विथ फॉस्फोरस, तो सिलिकॉन के अंदर हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे सिलिकॉन के अंदर हमें फॉस्फोरस ऐड करना है, तो हम देखेंगे आगे ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और इसके अंदर हमने ऐड किया फॉस्फोरस, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉस्फोरस इज एडेड टू द प्योर SI, द फॉस्फोरस एटम ऑक्युपाइज सम वैकेंट साइट इन द लैटिस इन प्लेस ऑफ SI एटम, एक सिलिकॉन की जगह पे हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, द ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ SI रिमेन अनचेंज, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो कुछ फर्क गिरा नहीं, तो फर्क कहाँ पे है, तो 4 of 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन PR यूटिलाइज इन बॉन्डिंग, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमें देखना है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज किया गया है क्लोजेस्ट टू SI एटम, प्लस द फॉस्फोरस हैज़ 1 extra electron, फॉस्फोरस हैज़ 1 extra electron दैन द नीडेड फॉर द बॉन्डिंग, देयर फॉर द SI डोप विथ फॉस्फोरस हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड दैन दोज इन द कंडक्शन बैंड इन प्योर SI, तो प्योर SI के स्ट्रक्चर में कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे हमने फॉस्फोरस ऐड किया तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दस द फॉस्फोरस हैज 1 extra electron देन नीडेड फॉर द बॉन्डिंग, देयरफॉर SI डोप विथ फॉस्फोरस हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंडक्शन बैंड देन दोज इन द कंडक्शन बैंड इन प्योर SI, इट इज दस द ट्रांसपेरेंट दैट द कंडक्टिविटी ऑफ SI डोप विथ फॉस्फोरस, द कंडक्टिविटी ऑफ SI डोप विथ फॉस्फोरस इज हायर दैन द प्योर SI, तो आपको यहाँ पे हमें समझना है इलेक्ट्रॉन रिच मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट को हम 14 ग्रुप एलिमेंट के स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हमें समझना है यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे और ए वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है उसको भी आगे देखेंगे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, उससे पहले ऊपर दिए कुछ एग्जांपल्स में से 15 ग्रुप एलिमेंट कौन है, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, हम इसमें से किसी को भी सिलिकॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर देंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वो मिलेगा। अब देखते हैं हम आगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ एन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, मतलब 13 एलिमेंट के एलिमेंट को हम एज अ इम्प्योरिटी 14 ग्रुप के एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, 14 ग्रुप एलिमेंट में हम 13 ग्रुप एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब जाके उसकी कंडक्टिविटी जो है प्योर सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम देखते हैं एन टाइप का एग्जांपल है, एन टाइप के एग्जांपल में देखेंगे हम यहाँ पे फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फॉस्फोरस इन सिलिकॉन स्ट्रक्चर और फॉस्फोरस इन जर्मेनियम स्ट्रक्चर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, यहाँ पे फॉस्फोरस का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखता है हमें एन टाइप का, यहाँ पे फॉस्फोरस तो यहाँ पे लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ पे गया, तो एन टाइप का स्ट्रक्चर होगा ये। अब हमें देखना है
पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। अगर ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है तो इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो ऐड किया है वो है बोरॉन, और बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे हमें देखना है। होल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर होल क्रिएट होता है वो हमें देखना है, हम अगले डायग्राम की मदद से देखेंगे। यहाँ पे हम देख पाते ये बोरॉन, बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन है इसलिए बोरॉन ने तीन बॉन्ड फॉर्म कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसलिए यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब ड्यू टू द ऑप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन द होल इज क्रिएटेड। सिलिकॉन, दूसरा इधर जर्मेनियम 14 ग्रुप एलिमेंट, यहाँ पे भी हमने बोरॉन ऐड किया, तो जर्मेनियम है सिलिकॉन है, इनकी वैलेंसी 4 है तो ये 4 बॉन्ड चार बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन बोरॉन की वैलेंसी सिर्फ 3 है तो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे बोरॉन की वैलेंसी 3 है तो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है यहाँ पे उसको कहते हैं होल। तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये बोरॉन दूसरा कहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। इस तरह से होल शिफ्ट होता है वन इंटू द अनदर एंड। हम सेकंड स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे नोट करना है राइट नाउ यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सिलिकॉन के अंदर हमने एल्युमिनियम ऐड कर दिया, जर्मेनियम के अंदर हमने यहाँ पे एल्युमिनियम ऐड कर दिया 13 ग्रुप एलिमेंट, तो इस तरह से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो आपको यहाँ पे समझना है 15 ग्रुप एलिमेंट को हम 14 ग्रुप एलिमेंट में एज अ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और 13 ग्रुप एलिमेंट को हम 14 ग्रुप एलिमेंट में हम जब ऐड करते हैं तब जाके हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इस स्ट्रक्चर में हम इजीली देख पाते हैं कि यहाँ पे गैलियम की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी गैलियम की वजह से होल क्रिएट हुआ, गैलियम की वैलेंसी 3 है बिकॉज इट इज 13 ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कि ये होल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी आपको होल दिख रहा है बोरॉन, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे होल यहाँ पे है। नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम होल शिफ्ट हो गया है सिलिकॉन के ऊपर, तो हमें यहाँ पे समझना है ऐसा करते करते ये होल लास्ट एलिमेंट तक शिफ्ट हो गया, तो वन एंड टू द अनदर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल। एक एटम से बोरॉन से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम से ओके ये जो होल है सिलिकॉन सिलिकॉन टू अनदर सिलिकॉन अनदर सिलिकॉन टू नेक्स्ट सिलिकॉन, तो पूरे बॉडी के अंदर वो होल शिफ्ट होते रहेगा, और ड्यू टू द होल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सच ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सब्सटेंस कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट सेमीकंडक्टर। ये हमें यहाँ पे समझना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमें एग्जांपल ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें थोड़ा नोट करना है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मूवमेंट ऑफ होल हम यहाँ पे देख पाते हैं, मूवमेंट ऑफ होल यहाँ पे इस तरह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ये हमें समझना है। ये हो गए हमारे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू।